हेलो डियर सी यू टी एस फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सी यू टी काउंसलिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है और जो भी एस फ्रेंड बी एच यू के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या फिर जो भी बच्चे बी एच यू की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए सेकेंड फेज जो उनका रजिस्ट्रेशन का ठीक है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का वो ओपन हो चुका है। तो कैसे आपको डिफरेंट कोर्सेस में प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करनी है वो आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, आपने बी एच यू में किसी भी कोर्स के लिए बी ए बी एस सी बी कॉम किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो आप सभी लोग प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन हो चुकी है। आप लोग को कैसे प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना है ये सब कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखो, प्रेफरेंस फॉर्म हर साल फिलअप करना होता है। सी यू टी एग्जाम अगर नहीं होता था पहले बीएचयू एग्जामिनेशन में भी जब बीएचयू खुद का अपना सेल्फ एंट्रेंस लेती थी तो उस टाइम भी आपको सेल्फ एंट्रेंस के लिए बेसिस पे प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी हम आपको बता देते हैं लाइव कैसे आपको फिलअप करना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अभी कुछ कोर्सेज के यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है तो जैसे ही एक्टिव होती हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और कोर्सेज की बीए वगैरह बीएससी की यहाँ पे अपडेट हो चुकी है तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेफरेंस एंट्री होती क्या। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप होता है। अगर हम बात करें बीए के लिए, ठीक है, तो बीए में भी काफी सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स होते हैं। तो ये ऑनर्स मिलते कैसे आपको, इसकी आपको एक चॉइस प्रेफरेंस फिलअप करनी पड़ती है। सेम एज बीएससी बायो में देख लो तो बीएससी बायो में बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे बीजेडसी हो गया, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे टाइप से आपका केमिस्ट्री और बॉटनी का अलग हो गया, देन आपका साइकोलॉजी स्टैटिक्स जियोफिजिक्स इन सब का अपना एक सब्जेक्ट ग्रुप होता है। इन सब सब्जेक्ट ग्रुप को आपको अपने एक अरेंज में प्रिफर करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या क्या चीजें करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रखा है, वहां जाइए लॉगिन कीजिए। लॉगिन आपको कहां पे करना है, यूजी स्टूडेंट लॉगिन 22, ठीक है, ये आपका काउंसलिंग का वेबसाइट। ठीक है, यहीं से आपको सारी प्रोसेस, जब आपको कोर्स अलॉट होगा आपको कॉलेज में फी भी पे करना होगा तो यहीं से फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं यहीं से हूं तो आपको एक एक चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। पिछले 3 सालों से हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके बच्चों की हेल्प करते आ रहे हैं और इस बार से पिछले साल भी यहां पे काउंसलिंग आपकी एंटी एग्जाम ली था तो काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, तो इस बार भी आपकी सारी हेल्प होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, सिंपली आप लोग भी अपने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, साइन इन करना है एप्लीकेंट लॉगिन पे अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक बीएचयू की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप लोग सिंपली यहां पे साइन इन करो। ठीक है, साइन इन करने के लिए आपके पास आपका सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद आप सभी का बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई हैं, यहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर बुक दिया गया है, अगेन आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का डिटेल है, उसके बाद आपका कौन सा कोर्स आपको अलॉट होगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है इसमें आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। रिजल्ट आपकी पहले राउंड की 3 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी तो आपको 3 अक्टूबर को यहाँ पे कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। अगेन आपको 24-48 घंटे बाद अगर आप लोग एलिजिबल हो तो हॉस्टल भी अलॉट की जाती है, यानी कि फर्दर जो भी प्रोसेस होती वो आपकी इसी होम पेज पे होनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस की हेल्प ले सकती हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। अगर आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, किस कोर्स में किस रैंक के किस मार्क्स के बेसिस पर कौन सा हमें सब्जेक्ट ग्रुप ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है ये सब कुछ यहाँ पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारी पर्सनल काउंसलिंग को हेल्प ले सकते हो जिसमें कि आपके तमाम सब्जेक्ट पे बीएचयू के एक्सपर्ट आपको सारी हेल्प प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस, आप लोग जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे आपके लिए शो कर रही होंगी। तो आप लोगों ने जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि कैंडिडेट हैं, इन्होंने बीएससी मैथ ऑनर्स रेगुलर फीस सीट पे मेन कैंपस में, ठीक है, सेम पेड सीट के लिए, उसके बाद बीएससी बायो भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है बीएससी बायो पेड सीट के लिए, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी इनके पास, प्लस बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी है, इतनी कोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ। अब ये किस किस कोर्स में एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लोग प्रेफरेंस एंट्री को चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करते हो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी शो कर जाएगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी एजी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ, अभी वेबसाइट अपडेट हो रही है, तो बीएससी एग्रीकल्चर की प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म अभी ओपन नहीं है। फॉर बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे बीएससी एजी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं अभी उनकी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन नहीं हुई, ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अभी भी प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू वेबसाइट अभी भी अपडेट हो रही है, तो जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर लिए आपका प्रेफरेंस एंट्री ओपन होता है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनकी सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं,
इन्होंने मेनली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए, बायो के लिए, बीटेक फूड टेक के लिए और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो भी कोर्स इनको चाहिए होगा, यानी कि जो भी बीएचयू को कोर्स चाहिए होगा, जिस भी कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर की जाएगी, वो बीएचयू ने आपके एनटीए के स्कोर कार्ड से खुद ही यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग देखो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए इनके केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट किए गए। टोटल मार्क्स इनका बनता है 232 फॉर बीएससी मैथ ग्रुप। यही बीएससी बायो के लिए इनकी टोटल मार्क्स है 377, ठीक है। ओवरऑल ये मार्क्स आपका 600 में से, और इसी के बेसिस पे आप सभी को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट को, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, आपके सारे कोर्स के मार्क्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं और आपको एलिजिबिलिटी भी शो कर रही होगी अगर आप लोग उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म विदाउट एलिजिबिलिटी चेक के फिलअप किए हुए थे, तो उनके यहाँ पे नॉट एलिजिबल भी शो कर रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो उस कोर्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। रही बात बीएससी एग्रीकल्चर की, तो अभी इनका एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर की अपडेट आती है आपके प्रेफरेंस एंट्री की फॉर्म की, वो हम आपको अपडेट देने के, यहाँ पे आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मार्क्स अपडेट किया जाएगा और यहाँ पे आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा बेस्ट 3 का, या फिर वो आपसे प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म फिलअप कराएंगे, ठीक है। अगेन क्या करते हैं, आप लोग जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, फिलहाल में प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ से टच उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गो आउट पे जाना है, इसके बाद आपको अपना 12th का परसेंटेज मार्क्स फिलअप करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर साल बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग इसको मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो लास्ट अटेम्प्ट आपका क्लास 12th हुआ होगा, तो क्लास 12th का 2 डेसिमल तक, ठीक है, मान लीजिए आपके 72.96 मार्क्स हैं, तो ये पूरा आपको डेसिमल के आगे का 2.2 डिजिट भी आपको फिलअप करना है, यानी कि 72.96% यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन होती है, ठीक है। अभी मुझे इस कैंडिडेट का पता नहीं कि कितना इनका परसेंट है, सो मैं फिलआउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसमें अपने क्लास 12th की परसेंटेज को फिल करने के बाद आगे के लिए प्रोसीजर को प्रोसीड करते हो, आपका जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में काफी सारे सब्जेक्ट ग्रुप आपको शो करेंगे, ZBC हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका GBC हो गया, GBC मतलब होता है जियोफिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री, ऐसे करके आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप होंगे बीएससी बायोलॉजी के लिए, जिसको कि आपको चूज करना पड़ेगा एक अरेंज में, ठीक है। जैसे कि हर साल बीएचयू में ZBC और जियोफिजिक्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो जिनके मार्क्स अच्छे होंगे वो ZBC को या फिर बायो जियोफिजिक्स को ऊपर रख सकते हैं प्रेफरेंस में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स में भी बीएससी होती है, तो आपका जो एडमिशन होगा साइकोलॉजी ऑनर्स का वो भी बीएससी बायो के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, तो आप लोगों को वो चीज़ें एक अरेंज में फिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सब कुछ आप लोग अरेंज में फिट कर सकते हो, उसके बाद फाइनल सबमिशन कर सकते हो। फिर अगेन आपको क्या करना है, 3 अक्टूबर तक का वेट करना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे आई नो कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वीडियो देख रहे होंगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काफी सारा सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है। पीसीबी वाले भी एलिजिबल हैं, PCM वाले भी एलिजिबल हैं, ABC वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप सभी को, आपने जिस भी ग्रुप से एग्जाम दिया है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सभी एग्जाम दिया हुआ है, तो आप कि इनमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट के स्कोर को यहाँ पे काउंट किया जाना है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है और ये अभी कंटिन्यू अपडेट हो रही है। जैसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी अपडेट आता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कोई भी अलग से प्रेफरेंस आपको सब्जेक्ट अरेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ पे आपको अपना क्लास 12th की परसेंटेज को फिल करके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। बट अभी आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्म कंप्लीटली अपडेट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। BA, BSc, BCom इन सब कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस एंट्री की फॉर्म ओपन है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अभी तक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन नहीं है, ठीक है। सेम अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही 2 नए कोर्स एड हुए हैं, बीटेक फूड टेक का, बीटेक डेयरी टेक का, लेकिन इन दोनों में केवल पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पीसीएम के मार्क्स को वेबसाइट ने काउंट कर लिया है और एलिजिबिलिटी को शो कर दिया है। एलिजिबिलिटी शो करते यहाँ पे इनका ओवरऑल मार्क्स शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये जो भी कैंडिडेट है अगर बीटेक फूड टेक में एडमिशन चाहती हैं और कट ऑफ अगर 232 के ऊपर बनती तो इनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर क्वेश्चन
कर रहे हैं तो देखो BHU ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करती है, लेकिन पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद तो किसी भी तरह से कोई भी अभी तक ऑफिशियल कट ऑफ पहले राउंड के पहले नहीं आने वाली है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म ओपन होती है हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको कंटिन्यू बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।